सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 31 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। हैदराबाद ने लगातार 2 मेडन ओवर डालकर मुंबई को दबाव में ला दिया था, लेकिन फिर यहां से सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोलना शुरू होता है और दशतक से पहले ही सूर्य को भागने में परेशानी होने लगती है। इसके बाद भी उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी और आईपीएल करियर में अपना दूसरा शतक ठोक डाला। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद पर आईपीएल में अपना दूसरा शतक पूरा किया। वह छक्के से अपने शतक तक पहुंचे और उनका यह सिक्स मुंबई इंडियंस के लिए विनिंग शॉट भी था। 102 रन की अपनी पारी में सूर्य कुमार यादव ने 12 चौके और 6 छक्के लगाए। 30 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया था। इसके बाद सूर्य ने बैटिंग में और तेजी से रन बनाए। अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर ही बना डाले और मुंबई इंडियंस को शानदार जीत दिलाई। T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का यह छठा शतक था। IPL के अलावा उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगाया है। भारत के लिए इंटरनेशनल T20 मैच में वह 4 शतक मार चुके हैं। IPL 2024 शुरू होने से पहले सूर्य करीब 4 महीने तक चोट की वजह से मैदान से दूर थे। सीजन के शुरुआती 3 मैचों में वह मुंबई की प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे। कमबैक मैच में उनका खाता भी नहीं खुला। इसके बाद भी 9 मैचों में वह 334 रन बना चुके हैं। उनका औसत 42 और स्ट्राइक रेट 177 का है। सूर्य कुमार यादव को इस पारी के दौरान भागने में परेशानी हो रही थी और अर्धशतक पूरा करने से पहले ही वह लंगड़ा रहे थे। इसके बाद भी बैटिंग जारी रखी, हालांकि वह 2 रन नहीं भाग पा रहे थे। सूर्य ने चौथे विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी बनाई। चौथे विकेट के लिए यह IPL इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।